नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बैड न्यूज़ आया है। अब ये बैड न्यूज़ क्या है, मैं आपको आज सबूत के साथ दिखाऊंगा, सोर्स के साथ दिखाऊंगा। सोर्स का साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था रेन इंडस्ट्रीज़ पर, और उस पर मैंने आपको बताया था कि US के सिटीज़ ने जो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो US का कंपनी है उस पर केस फाइल किया है। तो बहुत सारे लोगों ने ये ट्रोल किया था, कमेंट में लिख कर, व्हाट्सएप पर लिख के लोगों को कहा था कि एक फेक नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ फैला रहा है। और इसके बाद कई लोगों ने हमारे उस वीडियो का जिक्र बहुत सारे फोरम में भी किया, बहुत सारे वेबसाइट पर किया, और लोगों ने पूछा कि क्या ये कितना सच्चाई इस न्यूज़ में, और लोगों ने इसे फेक माना था। लेकिन जब 4 दिन के बाद, सिर्फ 4 दिन के बाद, जब बहुत सारे टीवी चैनल पे आया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आया, और बहुत सारे जो स्टैंडर्ड वेबसाइट हैं उस पर ये न्यूज़ आया कि यूएस के सिटीज़ ने रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पॉल्यूशन को लेकर केस किया है, तब लोगों को पता चला कि मेरा जो वीडियो मैंने बनाया था, मैंने जो न्यूज़ दिया था वो सही था। अब कई लोग उससे पूछ रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो चलिए, आज मैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट का बताने जा रहा हूँ, पूरे सोर्स के साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के, आपको मैं अब सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये मैं आपको ले चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। अब यहाँ पे देखते हैं केस स्टडी, केस स्टडी में सर्च करते हैं फ्री टेस्ट। चलिए यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ 00। यहाँ सर्च करते हैं जेन इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो रेन इंडस्ट्रीज़ का जो केस चल रहा है MC मेहता के द्वारा, उस केस के जजमेंट में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो चलिए यहाँ सर्च करते हैं MC मेहता का रिपोर्ट। यहाँ पे MC मेहता का आ गया, MC मेहता का ये 21 जनवरी का, मैं आपको दिखाता हूँ जजमेंट। तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ जजमेंट। आपको याद होगा कि मैंने कुछ अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो पेट कोक पे बैन लगाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसका बैन हटाया था, लेकिन एक लिमिटेशन दिया था 1.4 मिलियन टन पर एनम के लिए। लेकिन रेन इंडस्ट्रीज़ को अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए उन्होंने फिर से याचिका दाखिल किया था कि उनको अपने एक्सपेंशन के लिए कुछ ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट था उनका। तो उसको यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट क्लियर किया है कि आउटर लिमिट फॉर इम्पोर्ट ऑफ रॉ पेट कोक कैन नॉट एक्सीड 1.4 मिलियन टन पर एनम इन टोटल। मतलब किसी भी एक्सपेंशन प्लान के लिए वो एक्स्ट्रा और परमिशन नहीं दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी किया है कि कैन नॉट बी इंटरटेन नो फर्दर ऑर्डर आर रिक्वायर्ड टू पास इन दिस। मतलब इस पर कोई और फर्दर ऑर्डर नहीं दे सकते हो। जो याचिका दाखिल किया गया था रेन इंडस्ट्रीज, संबीता इंडस्ट्रीज एंड गोवा कार्बन, ये तीन कंपनियों ने मिलकर अपने एक्सपेंशन प्लान के लिए कुछ और भी बैन को हटाने के लिए डिमांड किया था। तो जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको उनके एक्सपेंशन के लिए और भी परमिशन नहीं मिलेगा। ये एक रेन के लिए एक बैड न्यूज़ है। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेन इंडस्ट्रीज अपने एक्सपेंशन प्लान को जारी रखेगा और उसके लिए उसे ज़्यादा पेट कोक की ज़रूरत होगी। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीधा सीधा मना कर दिया है। और ये न्यूज सभी चैनल पे तो अभी नहीं आया है, न्यूज़ चैनल पर तो नहीं आया है, आज सुबह में कुछ चैनल पे आया है। लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने इस रिपोर्ट को पहले देख लिया था, और इसी वजह से आज रेन इंडस्ट्रीज लोअर सर्किट पर चला गया है। अभी भी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वेनेजुएला से कि वेनेजुएला में रेन इंडस्ट्रीज को 78 करोड़ का लॉस हुआ है। तो इसका भी डिटेल नहीं आया है, जब डिटेल आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो एक्सपेंशन प्लान पे बैन नहीं हटाया है, तो अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। हालांकि ये न्यूज़ कुछ दिन पुराना है, लेकिन अभी तक न्यूज़ चैनल में नहीं आया है, लेकिन जो अच्छे मार्केट एक्सपर्ट हैं उन्हें ये न्यूज़ पता है, और इसी कारण आज रेन इंडस्ट्रीज़ का शेयर प्राइस बहुत नीचे गिरा, लोअर सर्किट पर था। हो सकता है अगले 2-3 दिन और भी ये लोअर सर्किट पर जाए, और ये 100 से नीचे भी जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो लंबे समय के लिए लिया है, 2 साल 3 साल के लिए, उन्हें, वो अभी भी इसमें रह सकते हैं, वो अभी भी इसे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या करना है, क्योंकि अभी अब से लेकर इलेक्शन तक इसमें ऐसा कोई पॉजिटिव मूव मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो
तो आपको इस पे खुद सोचना चाहिए कैसा न्यूज आ चुका है, और आगे भी कुछ दिन नेगेटिव ही रहेगा, इसका लोअर सर्किट भी जा सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और बेस्ड ऑन दिस आपको अब डिसीजन लेना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपको टाइम से पहले आपको बताया था, जो यूएस सिटीज़ का केस था, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, और लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए।